गुड मॉर्निंग किड्स हाउ आर यू ऑल हॉप एवरी वन इज फाइन टूडे टॉपिक इज अगेन प्रैक्टिस वर्टिकल लाइन आज हम क्या करेंगे वर्टिकल लाइन की स्टैंडिंग लाइन की फिर से प्रैक्टिस करेंगे ओके यू नो दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रॉक बुक आपको पता ही है ना ये बुक आपकी बेटा स्ट्रॉक बुक है है ना एंड पेज नंबर ओपन योर बुक पेज नंबर टेन ओके पेज नंबर टेन वर्टिकल लाइन विद क्रियोन ट्राई टू ट्रेस द वर्टिकल लाइन ऑफ द कैंडल बेटा ये कैंडल बनी हुई है और हमने इसके नीचे वर्टिकल लाइन बनानी है जैसे हमने काइट के नीचे उसकी स्ट्रिंग बनाई थी ना ऐसे ही हमने इसको वर्टिकल लाइन बना के इसकी स्टैंड स्टैंड बना देंगे ओके स्टैंडिंग लाइन हम बनाएंगे अब ओके okay? ये देखो बेटा मैंने ब्लैक कलर लिया है क्योंकि जो ऊपर कैंडल है वो ब्लैक कलर से आउटलाइन है ना तो हम क्या करेंगे ब्लैक कलर से स्टैंडिंग लाइन बना देंगे है ना बेटा ओके आपने भी बेटा ब्लैक कलर लेना है और एक स्टैंडिंग लाइन बना देनी है ठीक है अब नेक्स्ट देखो बेटा कैंडल कौन से कलर में है ब्लू तो हम क्या करेंगे लाइट ब्लू कलर लेके और एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे ओके okay, बेबीज ठीक है अब नेक्स्ट देखिए बेटा कैंडल आउटलाइन कौन सी है बेटा ग्रीन तो हम भी क्या करेंगे ग्रीन कलर से स्टैंडिंग लाइन बना देंगे है ना बेबीज अब तो सब बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनाने बहुत अच्छे से आ गई है. है ना बेटा एंड नेक्स्ट देखो बेबीज पपक पर्पल कलर ओके पापा कलर स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन ओके नेक्स्ट रेड आउटलाइन है ना तो हम रेड स्टैंडिंग लाइन ओके अब देखो बेटा अगेन लाइट ब्लू कलर से हम स्टैंडिंग लाइन बना देंगे ओके okay. ग्रीन कलर सॉरी कलर टूट गया बेटा ओके ठीक है अब आप देखोगे बेटा पर्पल कलर हमने यहां भी यूज किया था ना तो फिर से यूज करेंगे ठीक है बेबीज फिर हम रेड कलर ओके okay. एंड फिर से ग्रीन कलर वाओ ठीक है बेबीज बेटा आप पता क्या करना इसमें दिया तो नहीं हुआ लेकिन आप क्या करना बेबीज जो इसकी कैंडल है ना आप इसको देखो ये येलो कलर की होती है ना तो हमने इसके अंदर येलो कलर फिल कर देंगे सुंदर लगेगा है ना बेबीज जब हम कैंडल को जलाते हैं तो आपने देखा है बेटा ये येलो कलर की होती है ना ऊपर से ओके बेबीज अब आपने सबने कैंडल देखी हुई है ना तो आपने क्या करना है येलो कलर से इसकी बेटा फ्लेम भी बनानी है ओके बुक में तो नहीं दिया लेकिन आप प्लीज़ ये जरूर बनाना इससे आपकी बुक बहुत सुंदर लगेगी गगन मैम ने तो देखो कर रहे हैं ना ठीक है इसकी ये फ्लेम होती है ना और हमने जो इसकी ये बना दी है नीचे स्टैंडिंग लाइन ये इसका स्टैंड बन गया है ना बेबीज अब इसकी फ्लेम येलो कलर से सभी बच्चे फिल कर देना सुंदर लगेगी है ना बेटा ठीक है आपने ये फुल पेज कंप्लीट करना है आपको पता है ना आपको पता है ना बेटा जैसे कि जब ओरल वर्क आता है तो आपने क्या करना होता है कि नीचे वाला पेज उस दिन होमवर्क कंप्लीट कर लिया करना ओके okay, बेबीज तो आपने मम्मा के पास बैठ के हाफ पेज कंप्लीट कर लेना फिर जब ओरल वाली वीडियो आएगी तो उस दिन आप ये होमवर्क वाला पेज कंप्लीट कर लेना ओके okay, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना फिर ओके बेबीज थैंक यू बाय